हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पशुवाटिका लखनऊ पर एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो गुलाब के ऊपर है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और ऐसे में गुलाब की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने जो गुलाब लगा हुआ है आप देख रहे हैं, खूब सुंदर सा गुलाब खिला हुआ है और बड़े बड़े में खिला हुआ है। यदि आप इसी तरह से अपने गुलाब को पाना चाहते हैं तो कुछ बातों को आज आपको मैं समझाता हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है और हम इधर उधर यूट्यूब चैनल से ढूंढ कर लाते हैं और अपने गुलाब पर आजमाते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक सटीक जानकारी आपको न मिले तब तक गुलाब के ऊपर कोई भी केमिकल अथवा आपको रासायनिक खादों का प्रयोग अथवा कोई भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले गुलाब मेरा है, इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल ये पानी बिल्कुल ड्राई है ऊपर से, और नीचे मिट्टी जो है आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, नीचे की मिट्टी मॉइस्चर लिए हुए है। तो हम तब तक गुलाब को पानी ना दें जब तक इसमें मॉइस्चर बना रहे, नहीं तो गुलाब की जो जड़ें होती हैं वो हमारी थोड़ी सी बेकूफ़ी से सड़ जाती हैं। आप देखें, गुलाब मेरा मिट्टी में लगा हुआ है, इसमें हमने 50% गांडल सॉइल है और इसके बाद हमने राइस हस्क और 25% मैंने बालू मिला के रखा हुआ है। खूब अच्छा सा ग्रोथ कर रहा है, गर्मियों में थोड़ा देखभाल करनी पड़ेगी, इसमें पानी हम ज़्यादा डालेंगे। तो सबसे पहले हम गुलाब की अपनी निराई गुड़ाई, ये बेसिक चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, गुलाब को निराई गुड़ाई करना। मेरे पास ये है, इससे मैं निराई गुड़ाई करता हूँ। आप चाहें तो खुरपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, खुरपी ले लीजिए और खुरपी का प्रयोग कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करने के बाद इसको हम अपने हाथों से जो भी मिट्टी है निकली हुई है इसको आसानी से हम इसे फोड़ देंगे, पूरी तरह से इसे हम फोड़ देंगे। ये 10 इंच के पौध में लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा और होगा, अभी 1 साल चलेगा, तो हम इसको दूसरे पौध में, बड़े पौध में, 12 इंच के पौध में ट्रांसफर करेंगे। अब दोस्तों, इसमें करना क्या है, ये पत्तियों के ऊपर आप देख रहे हैं पत्तियां हमारी ख़राब हो रही हैं, तो इसके लिए आपको मैं हमेशा बताता हूं कि इमदा क्लोरोपिट, किसी के नाम से भी आए आप, लेकिन आपका जो सोल्यूशन हो इमदा क्लोरोपिट उसको लेकर के 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके हर सप्ताह में इसकी आप स्प्रे करें इसके ऊपर, और बीच बीच में पत्तियों को, ऐसे अगर पत्तियाँ ख़राब हैं तो उनको निकाल भी दिया करें आ करके देख करके। अब करना क्या है, आज हम इसके रूट जोन में काम करने वाले हैं, साथ ही साथ इसको हम ऐसा फर्टिलाइजर देने वाले हैं जिसमें इसको मूलभूत आवश्यकताएं जो इसकी हैं वो पूरी हो सकें, इसको हम न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। लेकिन सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक हम कटर लेंगे, कटर के माध्यम से इसको हम काट देंगे, जो भी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही हैं उन चीज़ों की हम कटाई छटाई करेंगे। पौधों की में कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है, केवल दवा के ऊपर डिपेंड मत रहिए, जितने आप इसकी कटाई छटाई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, उतना ही आपका पौधा निखर के आएगा, खूब अच्छी तरह से पत्तियाँ निखर के आएंगी। यदि आप कटाई छटाई नहीं करेंगे, निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, सूखे हुए गुलाब, जैसे अब ये मेरा ये गुलाब ऐसे ही खिला हुआ था लेकिन अब सूख रहा है, लेकिन मुझे लालच लग रही है कि इसको काटूँ ना काटूँ, अभी इसको रहने दूँ, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, अब ये और सूखेगा, जब ये बिल्कुल येलो कलर का या बिल्कुल ब्राउन कलर का पड़ जाएगा तो हम इसको यहाँ से काट देंगे ताकि दूसरी ब्रांचें जाना शुरू हो जाएंगी, और इसकी भी हम यहाँ से कटाई कर देंगे ताकि दूसरी ब्रांचें जाएंगी, अभी हम इसको नहीं काट रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने पौधे की थोड़ा सा देखभाल करेंगे तो आपको कम खाद की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि गुलाब एक हाई फीडर प्लांट है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूं आपको। ये माइकोराइजा है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, ये वैम ओस एल के नाम से है, ये उत्कर्ष कंपनी का है, आप देख सकते हो, प्रचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप जब ढूंढते हो, परेशान होते हो तो कहाँ जाएँ, कहाँ ढूंढें, तो इसको ले लीजिए, और इसको लेने के बाद आप इसके कैप को हटा दीजिए इस तरह से, ये देखिए अभी मैंने खोला ही नहीं था, आज मैं खोल रहा हूँ, और इसमें हम थोड़ा सा छेद कर देंगे इसी की सहायता से, ये निकल गया है, ये देखिए ये ब्लैक कलर का है, ये माइकोराजिया ब्लैक कलर का है, इसको हम 1 चम्मच दवा लेंगे, ये कलर का आएगा, और 1 लीटर पानी में इसको डाल देंगे इस तरह से, 1 मग में 1 लीटर पानी लेंगे और डाल देंगे, और फिर इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से, टाइट बंद होना चाहिए। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं अभी और मिलाऊंगा, आप देखते रहेंगे, कुछ चीज़ें और ऐड करूंगा, वो क्या है, वो आपका है ये न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट, ऐसे ग्रो के नाम से उत्कर्ष कंपनी का ही है, ये माइक्रो न्यूट्रेंट आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, आयरन है, लीड आइस PhD है, PH है, और कलर एंड फॉर्म है, सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, और इसको एफी ग्रो के नाम से जानते हैं, इसको आप फोलर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको आप इसमें डाल भी सकते हैं। तो माइकोराजा के साथ डालेंगे, माइकोराजा बैक्टीरिया है,
इसको हम डालेंगे तो ये हमारी जड़ों को मजबूत करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, हम खोल करके आराम से कोई काम करिए। अब इसमें हमें लेना कितना है ध्यान से देखिएगा, पिछले भाग से हम लेंगे ये लगभग 1 ग्राम के करीब हम ले लेंगे और इसको इसी में डाल देंगे। एक पौधा है, बहुत है ये। अब आप देखिए इसको, अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर हो जाएगा और अपने पौधे में इसको दे देंगे, चारों तरफ से डाल देंगे। बस इतना सा हम डालेंगे, बाकी हम दूसरे पौधे में लगभग 1/2 लीटर पानी से ऊपर मैंने इसमें डाल दिया। अब देखिए पानी फौरन नीचे चला गया। वैसे इसके बाद हमें करना क्या है, ये 22/16 का एनपीके लेना है, 19/19/19, और इसे लगभग 1 लीटर पानी मैंने इसमें लिया हुआ है और इसको लगभग 1 ग्राम इसमें मिला देना है। इस तरीके से आप ये घुलनशील घुल जाएगा और मिलाने के बाद इसको अच्छे से अभी हम हिला लेते हैं, फिर अपने पौधों में सारे पौधों में इसको स्प्रे करना है। ये एनपीके 19/19 है लेकिन 22/16 का ही आप लीजिएगा, 600 कुछ रुपए का एक किलो ही आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है और बहुत दिनों तक चलता है। अब इसको केवल हम स्प्रे करने के लिए यूज करेंगे, बाकी जो 19/19 आता है उसको आप पौधे में डालने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने इसको कर लिया, अब इसको मैं हिलाऊंगा ऐसे ताकि मिल जाए। हिलाने के बाद आप जानते हैं बोतल को चलाना कायदे से, और खूब कायदे से इसको स्प्रे कर दीजिए कायदे से। देखिए खूब कायदे से पौधे को नहला दीजिए। दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आप सप्ताह में एक बार जरूर करें, एक बार करने से आपके पौधे में ढेरों सारी कलियां बनेंगी और खूब अच्छे तरीके से आपका पौधा चलेगा। जो भी फर्टिलाइजर मैंने बताया है वो आप हफ्ते में एक बार करें, और एक सप्ताह में इस फर्टिलाइजर को करने के 2 दिन बाद आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, इसके ऊपर बहुत जरूरी है। इमिडाक्लोरोपिड या एक्जोडस जो भी आपके पास हो उसको प्रयोग करें। इस तरह से आप करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा खूब अच्छे से चलेगा। दोस्तों ये गुलाब के ऊपर मेरा छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो मैं प्रयोग करके बताता हूँ, अपने पौधों में प्रयोग करके आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको ये कास्टली लगे, लेकिन एक बार अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो ये तो आपको 3-4 साल चल जाएगा। और अच्छी चीज़ें खरीदिए ताकि आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो पर आने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।